आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। पश्चिमी दिल्ली के पॉश इलाके में रजौरी गार्डन में आए दिन चोरी की वारदातें होनी अब आम बात हो गई हैं। अभी कुछ महीने पहले ही इसी इलाके में चोरों ने एक दो नहीं करीब 10 कारों के टायर उतारकर फरार हो गए थे। अभी उनका कोई सुराग नहीं लगा, मगर एक बार फिर चोरों ने उसी कॉलोनी को एक दो नहीं 5 घरों के ताले तोड़कर लाखों का सामान ले उड़े। मगर शायद चोरों को वहां लगे सीसीटीवी कैमरे का खौफ भी नहीं लगा, जिसमें उनकी चोरी की पूरी वारदात कैद हो रही थी। देखिए ये रिपोर्ट। ये है पश्चिमी दिल्ली का रजौरी गार्डन इलाका, जिसमें चोर इलाके में किस तरह गेट तोड़कर अंदर घुस रहे हैं और बंद पड़े कमरों के ताले तोड़कर सामान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मगर ये कुछ और घरों को निशाना बनाते इससे पहले वहां एक निवासी ने चोरों को देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से सभी चोर वहां से भाग खड़े हुए और अपने साथ लाए ताले को तोड़ने का कट्टर और नकाब छोड़कर फरार हो गए। मगर उसके बाद से वहां के निवासी, खासकर महिलाएं डरी हुई हैं। उनका कहना है लगता है चोरों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। चोरी का असली कारण बता रहे हैं वहां के निवासी, गली में पिछले हिस्से में स्ट्रीट लाइट का ना होना। आइए सुनते हैं नरेंद्र खन्ना को और इलाके के लोगों को। यहां पर चोरी है, ये जो एरिया है जहां आप खड़े हैं ये थेफ्ट प्रोन एरिया है, सिक्योरिटी यहाँ बहुत कम है, सामने लाइट अंधेरा रहता है नाइट आवर्स में। ये लाइट्स के लिए लास्ट 2 साल से हम परसू कर रहे हैं, हमारे एमएलए ने भी काफ़ी परसू किया पर कुछ हेल्प नहीं हो पाई। और यहाँ पर हर लास्ट टाइम एक टायर चोरी हुए थे, वो भी यहीं हुए थे। गाड़ियों के स्टीरियो, बैटरी सब यहीं चोरी होती हैं। और यहाँ जहाँ से एंट्री हुई है अंधेरा है, एक गाड़ी आई और वहाँ पर खड़ी हुई, 4 चोर निकले और अंदर एंट्री की, उसके बाद फ्री थे वो कुछ भी करने के लिए। लास्ट में ये आशीष मित्तल हैं, ये हमारे वाइस, पर लोग बहुत डरे हुए हैं, लेडीज़ बहुत डरी हुई हैं, सेकंड फ्लोर पे जाने में डर रही हैं कि रात को पिक्चर देख के आ रहे हैं, अगर वो ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर कोई क्रिमिनल ना हो, अगर बाई चांस क्रिमिनल हुआ वो तो उसके हाथ में औजार है, वो तो मार के नीचे भाग जाएगा। ये हमने रिट्रीव किया, ये कटर था जिससे ये गेट पे सीधे सीधे लॉक्स काट देते हैं उठा के, ये हमने इनसे रिट्रीव किया है। इनका बैग है, इसमें कुछ चोरी का थोड़ा छोटा मोटा सामान भी हमें रिट्रीव हुआ है जो इनको रात को चेस करने में जो हमें पकड़ा गया। तो ये RWA जितनी दिल्ली की हैं उन सबसे एक अपील है लिटरली कि वो लोग अपनी सिक्योरिटी पे, मैन पावर पे खर्चा करें, नहीं तो उनके साथ ये होने वाला है। अगर दिल्ली की सारी RWAs अपने सिक्योरिटी पे खर्चा खुद नहीं करेंगे तो उन लोगों के साथ ये होगा, ये देख लें उनके साथ क्या होने वाला है। वो देखते हैं लॉक किसका बाहर से लॉक है, वो तो दिख जाता है, अब अंदर वाला नहीं दिखता। टॉर्च लेके आते हैं जाली में से, अंदर देखते हैं टॉर्च लगा के लॉक लगा है, फिर उस पर एक्शन करते हैं। यहाँ ऐसा ही हुआ है तो ऊपर जाना ही पड़ता है। तो ये थोड़ी कि हम ये हर वक्त चौकीदारी करते रहे घर में, किसी वक्त कहीं कोई फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है कहीं। आपने सुना, अब देखना यह है पुलिस ऐसी घटनाओं का कैसे संज्ञान लेती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।